चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो हमारा हरियाणा सीरीज की जीके का पार्ट चल रहा है। सीरीज चल रही है, उसका जो 13वां पार्ट है, ठीक है। और जो हमारी सोयल का टॉपिक सोयल चल रहा है, और उसका कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है आज, उसको हम टोटल कंप्लीट कर लेंगे इस पार्ट पर, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या 13वां पार्ट है, ठीक है। ये सोयल के बाद और बहुत अच्छे से टॉपिक लेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, ये टॉपिक्स तो हमारे तो चलते ही रहेंगे। अब जैसे सोयल हो गया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा राज्यपाल या मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सबके बारे में आपको बताऊंगा, जिलों के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो मैं अब एक और चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से या परसों से आपके जीके के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर भी होंगे क्वेश्चंस, उसमें जीके के मतलब कि क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन सीरीज, 200 क्वेश्चन सीरीज, 300 क्वेश्चन सीरीज ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है। कल से या परसों से मैं उस पर काम, आज से मैं काम उस पर स्टार्ट कर रहा हूँ, कल को या परसों से वो वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो आती ही रहेंगे रेगुलरली, लेकिन वो एक सीरीज चलती रहेगी आपके क्वेश्चंस की, जो आपको मतलब कि जो जिनको ये है ना कि टॉपिक नहीं पढ़ना, बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखने, उनके लिए वो है। और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक में से ही वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, ये सिरसा में जो अब पूछा जा सकता है कि सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे आप? सिरसा में बिल्कुल लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी जो पाई जाती है हरियाणा में, वो सिरसा में पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि सिरसा लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। तो चार ऑप्शन दे देगा, सिरसा, जींद, अम्बाड़ा, यमुनानगर। तो कहाँ पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछेगा हरियाणा में कितने परसेंट जो भूमि है वो लवणता होती है, जिसमें लवणता होती है। लवणता का मतलब होता है लूनी, मतलब कि एक लूनी टाइप होती है, उसमें उपजाऊ नहीं होती वो मिट्टी। तो ये मतलब कि सिंपल से दो तीन भाषा में पूछ लेगा कि हरियाणा में ऐसे कितनी परसेंट मिट्टी है जो उपजाऊ नहीं है। ये पूछ लेगा कि हरियाणा में कितनी परसेंट ऐसी मिट्टी है जिसमें जो लवणता से ग्रस्त है। तो 32% ऐसे 32% है जो हरियाणा, 32% भूमि है जो लवणता से ग्रस्त है। लवणता ज़्यादा होती है, लवणता ज़्यादा जहाँ होती है उसको उपजाऊ नहीं होती वो। लवणता का मतलब होता है लूनी मिट्टी, ठीक है। पूछ सकता है, ये पूछ लेगा, लवणता तो होगी। अब पूछ सकता है कि एक लवणता को क्या कहते हैं, लवणता कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो लवणता को लूनी मिट्टी कही जाती है। ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती बिल्कुल भी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जो लवणता, जो लूनी मिट्टी होती है ना, ये नहीं, ये मतलब कि उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बता था ना, और क्वेश्चंस वे रीजनिंग के भी आने, रीजनिंग के में मैं ऐसे करा करूँगा कि मैं रीजनिंग सोच रहा हूँ मैं कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है। लेकिन अभी रीजनिंग में थोड़ा जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन जीके के, हरियाणा के जीके के और भी जीके जो क्वेश्चन वो मतलब कि पेपर्स होंगे, उनके मैं सीरीज 100% अब कल से या परसों से वो रेगुलर वीडियोस आएंगी। ये तो टॉपिक चलते रहेंगे, अब सोयल कंप्लीट हो गया, फिर जिलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब तो टॉपिक्स आते रहेंगे, लेकिन क्या नाम जो वो होती है ना, 100 नंबर की प्रीवियस ईयर भी होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो कि बार आ सकते हैं, जो लगते आ सकते हैं, उनकी सीरीज चलाऊंगा। 100 क्वेश्चंस की, 200 क्वेश्चंस की, 300 क्वेश्चंस की, ठीक है, वो चलाएंगे जिसका पेपर नहीं होता। मेरा मेरा टारगेट है कि पेपर होने से पहले मैं ये 1000 1000 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या है कि इस प्रकार की मिट्टी को, जो जो ये प्रकार जो इस प्रकार की मिट्टी होती है ना, लवणता लूनी वाली मिट्टी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेहे और कल्लर भी कहते हैं इसको। जो ये मतलब कि लवणता के दूसरे नाम है, उपनाम बोल सकते हैं, रेहे और कल्लर। क्या? रेहे और कल्लर, ये ध्यान रखिए। लवणता के वो हैं, पूछ सकता है कि लवणता के दो उपनाम हो क्या होते हैं, रेहे और कल्लर भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। लवणता लूनी मिट्टी, लवणता लूनी मिट्टी और रेहे और कल्लर भी, ठीक है। अब देखिए, सोयल इरोजन, सोयल इरोजन को हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन। इसे हम रेंग तो ही मृत्यु भी कह सकते हैं। एक आप तंज में बोले तो ये किसानों के लिए या मतलब कि और इंसानों के लिए रेंग तो ही मृत्यु होती है, ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु। ध्यान रखिएगा, पूछ रहेगा कि रेंग तो ही मृत्यु हम किसको बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है शशि सीधे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये पूछेगा नहीं सोयल इरोजन को क्या बोलते हैं, पूछ सकता है कि रेंग तो ही मृत्यु हम किसको बोलते हैं, तो सोयल इरोजन को बोलते हैं, ठीक है। सोयल इरोजन को रेंगते हुए मृत्यु कहते हैं भी कहते हैं। अब एक जो होता है ना अपरदन, ठीक है, जो सोयल इरोजन होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये पूछेगा उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यमुनानगर वाला, यमुनानगर, अम्बाला, ठीक है, पंचकुला, वो वाला पे वाला उत्तर पूर्वी जो होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसमें अपरदन किस चीज़ से होता है? सबसे ज़्यादा जो अपरदन होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पानी से होता है, ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही, ठीक
है कि पूछ सकता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपरदन पानी के द्वारा होता है सबसे ज़्यादा, और दक्षिण क्षेत्र में वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो सोइल का टॉपिक था याद होता है कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा सोइल भी कंप्लीट हो गया, फॉरेस्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हमने मतलब कि अब सीरीज 13वां पार्ट है। ठीक है, अब हम इससे आगे देखेंगे, जिलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पहला चीफ मिनिस्टर कौन सा था, आखिरी कौन सा होगा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या सिरसा में बिल्कुल लाल मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा 32% की लूनी और लवणता से ज़्यादा मिट्टी होती है। ठीक है, लूनी मिट्टी इसको बोलते हैं, कलर रेयर कलर भी बोलते हैं, सोयल इरोजन, मृदा अपरदन, रेंगती हुई मृत्यु उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पानी से होता है, दक्षिण क्षेत्र में वायु से होता है। ठीक है, ये सोयल होती है हमारी आज कंप्लीट। ठीक है, और आपकी जो क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 90% चांस है आपके पेपर में आएंगे, उनकी मैं सीरीज लाऊंगा। पहले 100 क्वेश्चन की सीरीज, फिर 200 क्वेश्चन की, फिर 300, फिर 400, फिर 500। सोचता हूँ मेरा टारगेट ये है कि पेपर हरियाणा पुलिस का पेपर होने से पहले मैं 100 वो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ एक पूरी कंप्लीट कर दूँ जीके के लिए। ठीक है, और रीजनिंग का मैं सोच रहा हूँ जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ वो ऐसा हो नहीं पा रहा। जब भी वो होता है मैं जब भी आपकी रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगा, टेंशन मिले, रीजनिंग बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।